हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखदेव और आज मैं लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र मूवी का एक और रिव्यू। हाँ, और लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह के दुनिया में लोग होते हैं जिनको अभी तक कन्फ्यूजन है कि बाहुबली में कटप्पा को क्यों मारा और तो और ब्रह्मास्त्र का इतना बड़ा बजट कैसे चला गया। कन्फ्यूजन है लोगों को आज तक। लेकिन हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा, मैं दूसरी बार भी मूवी देख के आया यार। मैंने आपको बताया था मैं मूवी देख के आऊँगा और हाँ, मैं देख के आया। और क्या रिव्यू रहा, क्या फीलिंग रही उस मूवी की, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इस मूवी का यार सबसे बड़ा जो पॉइंट मेरे को लगा कि यार इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, शाहरुख खान जो शॉकिंग मूवमेंट, नागार्जुन जिनकी एक्टिंग सुपर, आई लव यू ब्रो, उसके बाद अमिताभ बच्चन तो भाई साहब है सदाबहार एक्टर, और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के जो लव ऑफ कनेक्शन थी उस कॉन्ट्रीब्यूशन में, वो अच्छी नेक्स्ट लेवल। मैं कह रहा हूँ रणबीर कपूर की एक्टिंग मेरा दिल खुश कर दिया, तेरा भी कर दिया, उसका भी कर दिया, लेकिन दिल खुश कर दिया यार। लव फैक्ट था, लव वाज की एक जो क्रियोसिटी वाली थीम थी वो थी, साथ ही जस्ट एक स्टोरी लाइन थी ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिखा, लेकिन पॉइंट वही लंबा था। और तो और काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ के गया यार। सबसे पहले उसके बाप की, उसकी माँ की लाइन, पता ना स्टोरी समझ रहे हो ना यार, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वो छोड़ के गया स्टोरी में। अभी जितने भी रिव्यूज़ या जितने भी ये अर्निंग बताने वाले लोग जो लोग हैं, या मेरा भाई भी ले लो बहुत रिव्यू वाला, उन्होंने भी अभी लास्ट रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी कि 160 करोड़ की अर्निंग कर रही है कंपनी की 2 डेज में। आज तो चौथा दिन है, आई डोंट नो चौथा दिन में कितनी अर्निंग हुई होगी। राउंड सब कह रहे हैं 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, इतना अर्निंग कर रही यार। इतना अर्निंग कर लिया तो तुम थिएटर से लोग क्यों इतना वो कर रहे हो। देखो गाइस, मूवी के ना दो पहलू है। पहला पहलू कि इसके 9000 स्क्रीन पे इसको वर्ल्ड वाइडली चलाया जा रहा है, और इसकी बजट के हिसाब से इसकी अर्निंग भी नेक्स्ट लेवल डे टू डे बढ़ती जा रही है। एक तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, एक तरफ से नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहा है, हम दोनों की बात करें तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहले जब मैं मूवी देखने गया, मैं SRK को देख के, इट वॉज माई रिएक्शन वॉज लाइक क्या, मतलब उस इंसान को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई यार, अगर इसको दिखा देते ना ट्रेलर में, इस इंसान को दिखा देते ट्रेलर में, शायद एक नेक्स्ट लेवल जो अब भीड़ में चली है ना, वो बाद में जो क्रियोसिटी क्रिएट हुई लोगों के बीच में, यार शाहरुख खान वो चीज़ ना होती, वो शायद इससे भी ज़्यादा होती, क्योंकि यार फैन फॉलोइंग एक नेक्स्ट लेवल की है। जब मैंने पहला ट्रेलर देखा शाहरुख खान की मूवी का, मुझे रिसेंटली आने वाले उसके हिसाब से, तो बात रहेगी पॉजिटिव पॉइंट्स की। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, जो हेटर्स लोग कर रहे हैं यार। हेटर्स लोग तो सबसे पहले बजट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि 450 करोड़ कहाँ से। दूसरा पॉइंट तो वो ये उठा रहे हैं कि भाई मूवी में क्या ऐसा था जिसमें आपको पसंद आया यार। मूवी देखो तो सही, वर्चुअल इफेक्ट से लेके, साउंड से लेके, स्टोरी लाइन से लेके, हर एक चीज़ एक नेक्स्ट लेवल की थी यार। मैं खुद जब फील कर रहा था मूवी को देखते टाइम, मुझे भी अच्छा लगा था यार, है ना, बॉलीवुड है। हाँ, बॉयकॉट का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा यार, लेकिन जो हेटर्स लोग हैं वो अभी भी, मैंने कहीं देखा कि कोई कह रहा है कि थिएटर्स में सीट्स अवेलेबल नहीं है, कोई कह रहा है कि, कोई लोग तो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, और वो पोस्ट पता है क्या, मूवी शुरू होने से पहले ऐसे वीडियो बना के डाल देते कि हाँ भाई ब्रह्मास्त्र का तो होल खाली है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं जब मैं अभी फिलहाल हाल ही फिलहाल में गया था, तब भी ऑलमोस्ट पीक पॉइंट्स पर मेरे को सीट्स मिली है, और वो भी नीचे वाली मिली थी, ऊपर ऊपर वाली मिली। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यार मूवी बहुत जल्दी एंडिंग कर, एक एंड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्लो होता ना तो और भी मज़ा आता। हालांकि बीच में थोड़ा सा लव पॉइंट्स काट सकते थे आप, उस लव एक करेक्टर्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे कहीं कहीं जगह, जैसे सॉन्ग, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आपकी सॉन्ग प्लेसमेंट की हुई, सॉन्ग गलत जगह प्लेस कर रहे थे। एक एडिटर के व्यू से मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी, और तो और काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स, चलो वो होती रहती है, ओके, साथ में वो डांस में भी, साथ में कई जगह ऐसे ग्रुपिंग भी होता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो एक स्टोरी लाइन की बहुत अच्छा ट्राई करा और बहुत ही अच्छी कोशिश करी थी इस बार बॉलीवुड की साइड से, अप्रिसिएशन करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो 4 बंदों को शेयर करिएगा, और 4 बंदों से 4 बंदों को और शेयर करवाइएगा, और आगे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और आगे कुछ नवा प्लान अप करेंगे टॉक शो का। थैंक यू सो मच।